कर एक इस विश्वविद्यालय में जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय आयोजन के दौरान विषय विशेषज्ञ शिक्षण की विशेष पद्धतियों पर चर्चा कर रही है। इस कार्यक्रम के कुछ अंश ये सही है जो हमने अभी जो कैलकुलेशन किए जांच करें हुआ क्या, पूरी परंपरा में मूल्यांकन करने का तरीका गलत, उत्पादन करने वाले का शोषण होता है, जो अनुत्पादक वर्ग है वो उसको शोषित करता है, जबकि इसमें श्रम और लागत मूल्य बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस प्रकृति में लाभ और हानि नाम की चीज नहीं है, विनिमय है, हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होगा श्रम और लागत मूल्य के आधार की सीमा में निर्धारित होता है। श्रम क्यों करना है? समृद्धि प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमको श्रम करना आवश्यक है। जितने भाग में हम श्रम नहीं करते उतने भाग में हम कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें इन्वॉल्व हैं। इसको आप देख सकते विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही, ताज़ातर इन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।